हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का 8th लेक्चर है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यहीं पर ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली तीन भाग होते हैं, इसके तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट्स होता है सीकम। सीकम वह पार्ट है जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला जो तीन पार्ट दिखा रखे हैं, ये सारे पार्ट दिखा रखे हैं, ये है कोलोन। दूसरा पार्ट क्या है? कोलोन। और तीसरा पार्ट है इसका रेक्टम। ध्यान रखना, तो तीन पार्ट होते हैं, पहला होता है एक सीकम, दूसरा होता है कोलोन, और तीसरा होता है रेक्टम। ठीक है, कोलोन के तीन भाग होते हैं। ये कोलोन जो ऊपर की तरफ उठ रहा है, इसको हम बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन। ऐसे जो कोलोन चल रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और डाउनवर्ड जो जा रहा है कोलोन, इसको बोलते हैं डेसेंडिंग कोलोन। और ऐसे जो कोलोन जो दिखा रखा है, ये है सिग्मोइड कोलोन। और साथ के साथ में ये वाला जो पोर्शन है, इसको बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पर अनडाइजेस्टेड वेस्ट फूड जो होता है वो स्टोर होता है। और जहाँ से वेस्ट फूड बाहर निकलता है, एक्सपेल होता है, उसको हम बोलते हैं एनस। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन है। इससे पहले हमने कई सारे ऑर्गन्स के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा चल रहा है, जिसमें हमने माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और आज फाइनली हम लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी डिस्कस कर देंगे। तो आज हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा लार्ज 6th ऑर्गन है। अब तक हमने कई सारे ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पर एक ब्रीफ समरी आप सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, हर वीडियो में इसको दिखाता हूँ। ठीक है, तो खाना, अब देखो एक बार और मैं हल्का सा बता देता हूँ। जैसे हम खाना खाएंगे, माउथ में मतलब इसको चबाया जाएगा, दांतों से इसको मतलब छोटा छोटा कर दिया जाएगा, और सलाइवा मिल जाती है। उसके बाद फूड थोड़ा लिसलिसा सा हो जाता है। फिर ये मूव करता है कहाँ पर? ईसोफेगस में। और फिर ये आ जाता है स्टमक में, स्टमक में इसका डाइजेशन होता है। और इसके बाद फिर इसको स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? खाने का डाइजेशन होता है, एज वेल एज एब्जॉर्प्शन भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जेजुनम वाला पार्ट है, वहाँ पर जनरली एक स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं, और उन सेल्स पर विलाई नाम का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ये क्या करते हैं, जो फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करके ब्लड में भेज देते हैं, और ब्लड से वो चले जाते हैं सेल्स में, जहाँ पर इनका रियल में यूटिलाइजेशन होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना डाइजेस्ट हो गया, उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है, भाई स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, खाना डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। जो काम काम के जो पदार्थ हैं, काम काम के जो सब्सटेंस हैं, उनको कर लिया जाता है एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब अवशोषित कर लिया जाता है, और उसको भेज दिया जाता है ब्लड में, और ब्लड से पहुंच जाता है वो बॉडी की प्रत्येक सेल तक पहुंच जाता है। इसके बाद जो बचा खाना है, अब देखो काम काम की चीज़ तो हमने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, कहाँ पर एब्जॉर्ब कर लिया? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब बचा अनडाइजेस्टेड फूड, उसको भेज दिया जाता है कहाँ पर? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ पर फोकस करो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का लार्ज पोर्शन है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पोर्शन है, जिसको हम बोल रहे हैं सीकम। तो लार्ज लास्ट पार्ट क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का? वो होता है ईलियम। ईलियम कनेक्टेड होता है सीकम पर, और जहाँ पे ये कनेक्टेड होते हैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक पाइप सा निकल रहा है, जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, फिर ये सीकम के बाद ये कोलोन है ये वाला, और यहाँ पर लास्ट में ये है रेक्टम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जनरली लार्ज इंटेस्टाइन में जो मिनरल्स हो गए, सॉल्ट हो गए, जो यहाँ पर एब्जॉर्ब नहीं किए जाते हैं, कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अनडाइजेस्टेड फूड इसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और स्पेशली रेक्टम वाले पार्ट में ये स्टोर हो जाता है। और जैसे ही जब इसका वेट मतलब ज़्यादा होता है, तो इसको बाहर निकाल दिया जाता है, किसके थ्रू? एनस के थ्रू। ठीक है, तो ये वैसे भी लास्ट पार्ट है हमारे एलिमेंट्री कैनाल का। एलिमेंट्री कैनाल ये सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्री कैनाल ये, जो माउथ से स्टार्ट हो रहा है, एनस पर फिनिश हो रहा है। तो अब हम देखते हैं, ध्यान रखना, मेनली यहाँ पर सीकम है, जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन इससे जुड़ी हुई होती है, उसको सीकम बोलते हैं। सीकम पहला पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, और यहाँ पर जुड़े होते हैं, तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है बाहर की तरफ, जिसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। और ये तीनों पार्ट्स, ये चारों पार्ट दिखा रखे हैं, ये चारों के चारों क्या हैं? कॉलोन है। पहला पार्ट है एसेंडिंग कॉलोन, ये वाला पार्ट है डेसेंडिंग कोलोन, फिर जो नीचे आ रहा है इसको बोलते हैं, सॉरी, एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, नीचे आ रहा है इसको डेसेंडिंग कोलोन बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, और लास्ट में जो पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम। और रेक्टम का भी लास्ट में जो एक होल होता है, एक ओपनिंग होती है बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं एनएस। और एनएस के थ्रू ही जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो बाहर चला जाता है। अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि लेटरिन बोलते हैं, ठीक है, या फेकल बोलते हैं, जो बाहर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हो, ये हमारा पोजीशन है लार्ज इंटेस्टाइन की। ये आ रहा है ईसोफेगस, ये स्टमक है, और ये फिर छोटा सा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये पूरा बड़ा लार्ज इंटेस्टाइन है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो मेन मेन पोर्शन, ये पहला पार्ट सीकम, यहाँ पे जुड़ी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये छोटी सी ट्यूब सी निकली हुई है, इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। और ये है हमारा कोलोन,
और लास्ट में है फिर ये वाला पार्ट रेक्टम, ठीक है देख लेना आप। तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बेसिक जानकारी अगर देखें हम जो अपने सिलेबस में दे रखा है, बुक में दे रखा है, तो द इलियम पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइन जॉइंस द सीकम पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। मैंने अभी बताया था ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं इलियम, ये लार्ज इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है सीकम इससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मेन फंक्शन होता है वो क्या है इसका, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। जो अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर और मिनरल सॉल्ट होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, कहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन के। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है और सॉलिड हो जाता है, नहीं तो फिर लिक्विड लिक्विड निकलेगा, तो इनको जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सॉलिड बन जाता है वो। इसकी जो जनरली लेंथ होती है वो कम होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, और कितनी होती है लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। और यहाँ पर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। ध्यान रखना एनस क्या है, जो ये रेक्टम है इसका लास्ट वाला पार्ट है, जो स्मॉल ओपनिंग यहाँ पे दिखा रखी है, ये वाली जो ओपनिंग दिखा रखी है लास्ट में ये है ओपनिंग जहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकाल दिया जाता है एनस के थ्रू। और यहाँ पर कुछ स्पेशल बैक्टीरिया पाए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में जो हेल्प करते हैं जितना भी रिमेनिंग फूड है उसको पचाने में, और पचाते किस प्रोसेस के थ्रू हैं ये पचाते हैं इसको फर्मेंटेशन के थ्रू पचाया जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के तीन पार्ट कौन कौन से हैं, सीकम कोलोन और रेक्टम। ध्यान रखना तीन पार्ट हैं सीकम कोलोन और रेक्टम, और कोलोन के भी चार पार्ट हैं, चार पार्ट हमने देखे थे, ऊपर ऐसे जा रहा है एसेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, ये नीचे डेसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, और फिर फाइनली क्या आ जाता है रेक्टम, ठीक है। तो तीन पार्ट है ध्यान रखना, पहला पार्ट है सीकम, तो ये वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला जो यहीं पर पार्ट दिखा रखा है ये वाला पार्ट है सीकम, जो किससे जुड़ा होता है ईलियम से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इट इज़ कनेक्टेड टू ईलियम, ईलियम किसका पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इसकी लंबाई लगभग रहती है 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना डाइजेस्ट हो जाता है तो अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पर ये लिख रहा है कि जैसे ही यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेशन के बाद फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद जो बचा हुआ फूड है उसको बोलते हैं अनडाइजेस्टेड फूड, वो पास कर दिया जाता है कोलोन को। तो यहाँ पर जो डाइजेशन होने के बाद फूड कहाँ पर पास कर दिया जाएगा, कोलोन को, ठीक है। तो द जंक्शन, जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम, जंक्शन मतलब जहाँ पे दो चीज़ मिलती हैं, तो यहाँ पे इलियम मिल रही है सब कुछ और यहाँ पे सीकम, तो इनका जो जंक्शन है यहाँ पर एक ट्यूब सा निकला रहता है। तो जंक्शन पर देखो क्या ले रहे हैं, एट द जंक्शन ऑफ इलियम एंड सीकम ए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज फाउंड, ट्यूबुलर मतलब ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पर पाया जाता है, जंक्शन ऑफ स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जहाँ पर स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मिलती है वहीं पर एक ये निकला रहता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है। दूसरा पार्ट है कोलोन, ठीक है। तो कोलोन सेकंड पार्ट है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। तो द पोर्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन अहेड ऑफ सीकम, सीकम के जो आगे वाला पार्ट है उसी को हम बोलते हैं कोलोन, इसकी लंबाई रहती है 1.3 मीटर लॉन्ग्स, और ये दिखता है थोड़ा उल्टा यू, इन्वर्टेड यू का मतलब उल्टे यू की तरह दिखता है, देखो लग रहा है कि नहीं लग रहा उल्टा यू, ये देखो तो उल्टे यू की तरह ये दिखाई देता है कौन, कोलोन। इसको चार भागों में डिवाइड कर सकते हैं, पहला है एसेंडिंग कोलोन, ये ऊपर जो बढ़ रहा है एसेंडिंग कोलोन, दूसरा है ट्रांसवर्स कोलोन, हॉरिजॉन्टली जो मूव कर रहा है इसको ट्रांसवर्स कोलोन बोल रहे हैं, और जो डाउनवर्ड्स जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है उसको डेसेंडिंग कोलोन बोल रहे हैं, और ये वाला जो ब्लू वाला इससे दिखा रहा है इसको बोल रहे हैं सिग्मोइड कोलोन। तो इनकी लंबाई कितनी है, लंबाई ध्यान रखना डक्ट मतलब एक पाइप है, तो एसेंडिंग कोलोन ये लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है, और ये जो ट्रांसवर्स कोलोन है लगभग 50 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट है। डेसेंडिंग कोलोनी ये है लगभग 25 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट, और ये जो सिग्मोइड कोलोनी ये है लगभग 15 सेंटीमीटर लॉन्ग डक्ट। तो ध्यान रखना पहली और लास्ट वाली तो 15 15 है, और सबसे लंबी कौन सी है ट्रांसवर्स, और इसके बाद डेसेंडिंग कितनी है लगभग 25, हालांकि यहाँ पर ये अलग दिख रहा है, तो बाकी इनको आप ध्यान रखना है, जो अपने बुक में दे रखा है वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, कोलोन हो गया। अगला लास्ट पार्ट है हमारा रेक्टम, तो इट रेक्टम इज द टर्मिनल एंड, टर्मिनल मतलब अंतिम, टर्मिनल का मतलब क्या होता है अंतिम, इसके बाद कुछ और नहीं है, टर्मिनल एंड ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, रेक्टम एलिमेंट्री कैनाल का लास्ट पॉइंट है, इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होती है, और इसका जो लास्ट पोर्शन होता है उसको बोलते हैं एनल कैनाल, और एनल कैनाल लगभग होता है हमारा 3 सेंटीमीटर के समथिंग, और एनल कैनाल जहाँ पे खुलता है उसको बोलते हैं एनस, और एनस के थ्रू क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में मल, मल जो होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है किसके थ्रू, एनस के थ्रू, और रेक्टम में ये मल स्टोर किया जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है जिसको वेस्ट बोलते हैं ये रेक्टम में ही स्टोर रहता है। इसलिए ध्यान रखा करो टाइम टू टाइम
जाते रहें, ठीक है, ताकि मतलब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ये गंदगी पेट में ज़्यादा समय तक ना रहनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए डेंजरस हो सकती है। और इसको रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर भी स्पेंटर पाए जाते हैं, एनल कैनाल में भी क्या पाए जाते हैं, दो स्पेंटर पाए जाते हैं। स्पेंटर मतलब वॉल्व, जो ओपन और क्लोज का काम करते हैं उसको बोलते हैं वॉल्व। दो स्पेंटर पाए जाते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल स्पेंटर। ये क्या करते हैं, वेस्ट को कंट्रोल करते हैं। जो स्पेंटर होते हैं ये वेस्ट को मूवमेंट, वेस्ट का जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। जो अनडाइजेस्टेड फूड है इसको मूवमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। और ये अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट प्रोडक्ट जो है एक्सपेल्ड आउट कर दिए जाते हैं, बॉडी के बाहर भेज दिए जाते हैं। किसके द्वारा, एनएस के द्वारा। तो एनएस एक ओपनिंग है जो रेक्टम के लास्ट पॉइंट पर होती है, ध्यान रखना। तो एनएस से ये अनडाइजेस्टेड फूड और ये अनडाइजेस्टेड फूड के अलावा, सॉरी, अनडाइजेस्टेड फूड और ये वेस्ट प्रोडक्ट एनएस के द्वारा बॉडी से बाहर एक्सपेल आउट कर दिए जाते हैं। एक्सपेल आउट का मतलब है बॉडी से बाहर भेज दिए जाते हैं। एक्सपेल करना मतलब बाहर भेज देना। तो यहाँ पे देख सकते हो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जुड़ी हुई है सीकम से। यहाँ पर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको अपेंडिक्स बोलते हैं। ये ऊपर बढ़ रहा है जो पहला पार्ट है, इसको असेंडिंग कोलोन, ये है ट्रांसवर्स कोलोन, ये डेसेंडिंग कोलोन, ये सिग्मोइड कोलोन, और ये लास्ट वाला पार्ट है इसको बोलते हैं रेक्टम। रेक्टम में भी ये लास्ट में यहाँ पर दिखा रखी है, ये एनल कैनाल। यहाँ पर ये ओपनिंग है छोटी सी, इसको बोल रहे हैं एनस। एनस के थ्रू आपको बताए बाहर जाता है हमारा वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। आज हमने सारे जो अपने ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के फिनिश कर दिए। अब मैं आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। तो तीन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो बहुत जल्दी अभी हमारा लेक्चर खत्म होने वाला है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है। इसके बाद हम दूसरा सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।